प्रदेश के मुरादाबाद में 29 जनवरी से CAA के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल होने पर शायर व कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी सहित आयोजकों और उसमें शिरकत करने वाले व्यक्तियों को मुरादाबाद जिला प्रशासन ने 1,40,00,000 रुपए का नोटिस भेजा है। जिला प्रशासन के मुताबिक इस प्रदर्शन पर सरकार के लगभग 13,42,000 रुपए हर रोज खर्च हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि बिना अनुमति चल रहे इस धरना प्रदर्शन की वजह से कोई जनहानि या संपत्ति हानि होती है तो उस दशा में इन व्यक्तियों से धनराशि वसूल की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से इस तरह के नोटिस प्रदर्शनकारियों को भेजे जा रहे हैं। ये शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिनसे भी अशांति की आशंका है उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लगभग 114 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं और कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी होने पर उनके खिलाफ जो भी उनके द्वारा बॉन्ड भरा गया है उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो नोटिस जारी हुआ वो 6 तारीख को ही उनके खिलाफ हो गया, 1,40,00,000 रुपए का निर्देशन हुआ। ये क्या मामला है? ये निरोधात्मक कार्रवाई होती है जिनसे भी आशंका होती है कि उनके द्वारा किए गए कार्य से अगर कोई भी अशांति हो सकती है तो उन्हें एडवांस में नोटिस दिया जाता है कि अगर आपके द्वारा ऐसा कोई कार्य होता है या अशांति फैलती है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पहले तो मैं आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ और आप दिग्गज में हैं कि जनपद मुरादाबाद में वर्तमान समय में धारा 144 लागू है और धारा 144 के अंतर्गत बिना अनुमति के कोई धरना प्रदर्शन करना वो नियम संगत नहीं है, अविधिक है। वर्तमान में ईदगाह में जो धरना प्रदर्शन CAA के विरुद्ध चल रहा है उसकी कोई अनुमति आयोजकों द्वारा नहीं ली गई है और थाना दल सहित एवं CO कटघर की तरफ से एक रिपोर्ट मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई थी कि वहां धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था पर पुलिस अरेंजमेंट करने के लिए 13,42,000 प्रतिदिन की धनराशि व्यय हो रही है। दिनांक 12/2/2020 तक 1,04,00,000 रुपया पुलिस व्यवस्था पर खर्च हुआ था और आज तक यह धनराशि 1,44,15,000 हो गई है।